अगर मैं ना लड़ू तो फसल के दाम ना मिले, मील में पेमेंट ना मिले। हाँ इटा में ना और देवाई जी या यूनियन नहीं थी जिमनी मिले थे फसल के दाम, आज ही मिलने शुरू हुई। ये तो घर बनने के नाम के तो ठीक है, उनका नाम चल गया। ये तो जहाँ चाहेंगे वही धरना दे के भेजेंगे, सरकार का विरोध करेंगे। इन्हें सरकार इनकी जोड़ भर दो, भी अपने गुरु भेज देंगे, किसान कहाँ जाएंगे, किसान तो फिर भी अपने खेत में लग रहेगा। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप, आप देख रहे हैं हेडलाइंस उत्तर प्रदेश। मैं शामली के आदमपुर गांव में हूं। ये आदमपुर गांव है। दो दिन पहले जो घटना लखनऊ में घटी, यहां के संजीव कुमार चीवा जो कुख्यात बदमाश थे, उनको कोर्ट में पेशी के दौरान गोलियों से भून डाला, उनकी हत्या वहां पर मौके पर ही उनकी हत्या हो गई। ये उन्हीं का पैतृक गाँव है। कल यहाँ पर उनका दाह संस्कार भी हुआ। कुछ लोग गाँव के हैं, उनसे बातचीत करेंगे कैसा संजीव था, उनका बचपन कैसा बीता। जी क्या नाम आपका? मेरा नाम तो यशपाल है भाई। कल यहाँ पे दाह संस्कार हुआ, संजीव जीवा थे, आप ही के गांव के थे, लखनऊ में उनकी हत्या कर दी गई कोर्ट में पेशी के दौरान। तो कभी पहले गांव में आते थे, मिले थे आप उनसे कभी? नहीं, वो तो पैदा भी यही हुआ भाई। हाँ पैदा भी यही यार, वो मतलब काम के लिए तो सही था, एक बार के लिए ओके सही हो मैडम। तो गांव में ऐसी कोई झगड़ा वगड़ा किसी के साथ? ना ना, किसी तो कोई वास्ता मतलब नहीं था, वो तो बेचारा सही काम करा था। गांव में रंजिश नहीं थी उसकी किसी से, ना गुआंड में थी, ना गुवाड़ में थी, गांव गुवाड़ में तो के लिए तो था वो ठीक, ना कोई मतलब उस तरह परेशानी थी, ना बदमाशी करी गांव गुवाड़ में। हाँ और जो कोई उसके द्वारा चले भी गा मिलने चिलने के नाम का, वहाँ बैठ भी होती वहाँ सही है जी। मतलब चले जाते थे गांव वाले जो भी कभी? गांव वाले भी जाते खूब मिलने जाते, बस जिसे वो प्रेम था उस। तो परिवार यहाँ पे गांव में रहता है कि बाहर ही रहता है कभी? कभी कभी आते थे गांव में कैसे? नहीं वो तो उसके परिवार मतलब घर के जो है, मैं तो कभी कभी आवे यहाँ, तो उनकी जमीन भी है यहाँ गांव में, जमीन है उस पर तो सरकारी कब्जे हो रहा। अच्छा, कुर्क कर ली गई वो सरकार द्वारा? सरकार द्वारा कुड़क हो जाएगा। जी आपका क्या नाम है वैसा? दूर क्यों खड़े, आ जाओ पास। क्या अरविंद है जी मेरा नाम। आप भी इसी गाँव के? नहीं जी, मेरा गाँव आपका बाजू है जी। बाजू जी। तो क्या जो हुआ उसको कैसे देखते हैं? वो हम भी कल बाहर गए हुए थे जी, लेकिन यहाँ गांव गुवाड़ में कोई रंजिश नहीं थी उनकी, ना ही कोई दुश्मनी थी, और ना किसी को परेशान कर रहे थे। अच्छा, तो मतलब जो हुआ वो ऐसा होना नहीं चाहिए था आपके नजरिए? गलत हुआ जी, गलत हुआ। जब हमारी साथ कोई दुश्मनी नहीं थी, ना परेशानी नहीं थी, तो हमें एलर्जी कही की जो हुआ गलत हुआ। आप मिले कभी उनसे? नहीं जी, कभी मुलाकात? नहीं जी, कभी मुलाकात नहीं। तो ताऊ जी एक बात बताओ, जो सरकार कह रही कि कुछ लोग कह रहे हैं कि ऐसी घटनाएं घट रही हैं, पुलिस कस्टडी में लोग ऐसे हादसे हो रहे हैं, पहले अतीक वाला हुआ, अब ये हुआ, कि कानून व्यवस्था तो बिल्कुल फेल है सरकार की। कानून व्यवस्था तो है बिल्कुल सही, कानून व्यवस्था तो सही है, सरकार बढ़िया काम कर रही। वह बदमाशी करेंगे तो मरेंगे तो है ही है, कोई भी हो, हम ही हो चाहे बदमाश, हम भी मरेंगे, गलत काम करेंगे तो मरेंगे। और जब गलत नहीं करने के कौन मारेगा, हम सड़क पे कुछ जाओगे खूब आराम से। नहीं कह रहे, जब सुरक्षा में दस दस पुलिसकर्मी, वो किस काम के, वो खड़े रह गए और लोग गोली मार के चले गए भाई जी। गोली चलने भी लगे नहीं, कोई कोई सूर मंड है गोली का के, अरे भा भगदड़ मिच जा, अग नहीं मर तो जाइए भा, मरने का सारी आदमी को डर लगे, हमें भी डर लगा, यहाँ गोली छूटने का, हमने भाग देंगे इनके, हम क्या मरे तुम्हें दिखाऊंगे यहाँ। और पुलिस वाले भाई में भी मैं सुन तो जान उन्हें प्यारी अपनी, हाँ जाकर तुम्हें पड़ेगा अपने। तो मतलब ऐसा कोई, जैसा आप कह रहे जैसा कोई करेगा वैसा भरेगा? हाँ जैसा कोई करेगा सही भरेगा। देखिए यहाँ तो शुद्ध लफ्ज में है। तो कह रहे इस बार इतने तंग कर दिया किसान हो चाहे वो, ऐसी ऐसी घटना है। सुन ये तंग कोई नहीं हो रहा, कोई भी जो बेईमान है वे तंग हो रही, ईमानदारी में तंग नहीं हो रहा। हमें तो करना खाना आज भी करेंगे, तड़के भी करेंगे, हम के डकैती मार के जाऊंगे कहीं से बता दो। यहाँ पे तो सब तो एक एक जाट के खिलाफ है, आप जाट नहीं हो गया? जाट है पक्का, जाट हूँ भाई। देख आप तो सारे धरने पे बैठे, कोई दिल्ली में बैठा तो कुमार लगा धरने पर नू बैठे, ये तो बेवकूफ बना रहे दुनिया का। इन्हें तो दुनिया का माल चाह, हमें क्या माल चाह, हमें तो अपनी कष्ट कमाई का चाहगा भाई। ये तो किसानों के भले के लिए बैठे, कमाने के लिए थोड़े बैठे, कमाने के नाम के कहाँ है, अपने तो घर भरेंगे, किसानों का भरेंगे घर, कौन से किसान को देन लग रहे भाई, वो टीचर धरना धरा कौन से को देन लग रहा बताओ जी। तो अगर मैं ना लड़ू तो फसल के दाम ना मिले, मील में पेमेंट ना मिले। इतना पहले और थे भाई जी, या यूनियन नहीं थी जिमनी मिले थे फसल के दाम, आज ही मिलने शुरू हुई।
ये तो घर बनने के नाम के तो ठीक है, उनका नाम चल जा, ये तो जहाँ चाहेंगे वही धरना दे के भेज देंगे, सरकार का विरोध करेंगे, इन्हें सरकार इनकी जोड़ भर दो, ये भी अपने गुरु भेज देंगे, किसान कहाँ जाएंगे, किसान तो फिर भी अपने खेत में हिला करेगा। अगर ये सरकार नाटी कह रहे जमीनों पे कब्जा हो जाएगा सरकार का, इसको हटाना जरूरी है? नहीं नहीं कुछ नहीं होता कब्जा, सरकार के अपने घर में ले जाएगी, फिर भी तो ये काश्तकारी करेंगे इला, जिनके नाम जमीन है अपने नाम करवा लगा, हमारे पास देखा तू भी करवा लगा का? अगर कोई सुन जी हम किसी 2 रुपए लेंगे किसी पते में देने पड़ेंगे, और नहीं देंगे तो वो नाम तो हमें दूसरे करनी पड़ेगी, और जब हमेशा काम नहीं करने फिर हमारे नाम कौन करवा लगा? जो संपत्ति जिसके नाम है वो सीख रहेगी, यह तो एक बेकार की बात है इनकी, हमारी समझ में तो अच्छी नहीं लगी। तो आपकी समझ में तो वो आ रहा जो सरकार कर रही सब बढ़िया ही कर रही है? बढ़िया कर रही है सरकार, जो करे वो बढ़िया करे। ऐसे दिन दहाड़े गुंडों ठोके जा रहे पुलिस कस्टडी में, वो भी ठीक है? ये बात हो रात भी रात कोई आदमी कहीं को निकल लो, सुरक्षा चाक चौ बंद है, कोई दिक्कत नहीं है किसी आने जाने वालों को, चल नोट गड्डी बांध कर लेकर चल, जिसके दो नोट है सिर पर धर के चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है उन्हें तो। या देख बदमाशी में वो आदमी मरेगा जिसकी आपस में लगी हुई रहेगी, अन्य वो नहीं मरता आदमी बदमाशी में, अग नहीं। तो इनके परिवार वाले और भी रहते हैं गांव में? हाँ इनके परिवार के है एक ही है परिवार में, इनको वो तो मतलब 3-4 घर है इनके। हाँ अपना इलाके रे बेचारे सब। और कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जैसा इसका रिकॉर्ड था? अपना काम कर रहे भाई, ये है रामेश्वर के अरविंद रहे, ये सांझ को शाम ले जा चढ़ के वो अपना खेत कर लग रहे, और भी नहीं करे अपने काम काज ही है सबका, अपने खेती में तो संबंध है और किसी को कोई संबंध नहीं है, न किसी को बदमाशी थे उससे, ना अपना काम कर रहे बेचारे बड़े रात। तो आप भी कभी मिले थे संजीव जी? बस हाँ संजीव हमारे काम का था, मिले यही रहे, हमारी जेल कवर्ड भी लेने गया वो जीव तो जब कर सही था वो। हाँ तो कब नहीं आपको ऐसा था इसकी उसका व्यवहार ऐसा नहीं था कि बड़ा बदमाश बनेगा? ना कुछ नहीं था, वो तो कवर्ड लेने हरिद्वार का हमारी जेल में जीव तो जब कर था जेल लेकर गई थे, मुझे शादी में भी गए होंगे आप उसकी? वह ब्याह का मैं पता नहीं कुछ कर ब्याह ब्याह उसका। हाँ दावत से वंचित रह गया? ना ना दावत कहाँ लगी, ये तो ब्याह भी मतलब भाई जुकर भी ब्याह कराया उन्होंने ठीक करा भाई, अगत के मारे जगत मरे, जब उसका अगत तो चल गया 2 जगत है उसके जरे भगवान जिंदगी लगा उन्होंने। बच्चे गाँव में नहीं रहते? ना ना दिल्ली रहे उसके जगत, दिल्ली हाँ स्कूल में पढ़ते होंगे बेचारे। मतलब ये रंजिश के तहत मरते हैं लोग? इसमें मरे वो नहीं मरता कोई भी, अरे हम भी तो रहे हमें कौन मार दे जी, मेरी किसी जेल में रंजिश नहीं, हम किसी को गलत बोलेंगे तो भाई 2-4 हमें भी सुना होगा। विपक्षी नेता चाहे अखिलेश यादव वो तो ये कहते हैं जब पुलिस कस्टडी में लोग मरे तो आम आदमी का जीना तो बिल्कुल पुनः क्यों मरवा रामपुर की है, जब तो मुख्यमंत्री था वो क्यों मरवा था भाई, गोली चलवाई थी उनने वजन तो, मैं भी तो किसी माई के माँ के लाल हूँ मैं कार सेवक में जी, मैं अपने उत्तराखंड की मांग कर रहे। यही तो कह रहा हूँ सरकार में भ्रष्टाचार लोग कह रहे हैं ज्यादा चल रहा है। सरकार बढ़िया है कर्मचारी बढ़िया नहीं है इसके, तहसील में चले जाओ वहां रुपये चाहेंगे उन्हें तो पटवारी लेगा, कई कानून बोले इबा वो या एक पकड़ेगा वो वहाँ कराने का पटवारी, वो भी चिल्ले लोग फिर हुए चिल्ले पीछे मांगे न गए वहाँ। कर्मचारियों को सुधारने की जरूरत है? कर्मचारी को सुधारो, सरकार सरकारी सुधारेगी, हम तो सुधारने दे रहे फिर व्यवस्था दुरुस्त हो जाएगी, फिर पलटी पे तो आ रही पलटी पे तो नहीं आने देते कर्मचारी अड़चन कर रहे। हाँ कर्मचारी भ्रष्ट है, इन पर अकेले कैसे जाएगी फिर अपना सही हो जाएगा हिसाब, और तो कोई दिक्कत नहीं। तो ये ताऊ जी थे जिन्हें बड़ी बेबाकी से अपनी बातें रखी। तो आप भी जुड़ रहे हेडलाइंस उत्तर प्रदेश के साथ, और लगातार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और देखते रहिए हेडलाइंस उत्तर प्रदेश।